Almantasha Realty presents yet another masterpiece set in the heart of Mumbra that promises to elevate your lifestyle. Welcome to The Universe, a residential tower that offers more than just four walls. This project offers you your own space, your own universe wrapped in these spacious 1 and 2 BHK apartments that are meticulously designed and smartly planned. Find all modern specifications that are specifically curated for you here. Here you are offered your own space, your own universe. काम करने वाली नाबालिग लड़की से की छेड़खानी, मालिक पर हुआ पोक्सो और छेड़खानी का मामला दर्ज, पत्नी भी थी शामिल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 3-4 दिन पहले सोशल मीडिया पर, खास करके व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर, एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की ने अपना एक वीडियो वायरल किया था। भांडुप स्थित बीएमसी की एक बिल्डिंग है, NJNA बिल्डिंग, और यहां पर कई सारे कारखाने, ऑफिसेस वगैरह जो है विभिन्न लोगों द्वारा चलाए जाते हैं। यहां नवाब निजाम खान, उम्र 37 वर्ष, इनका भी एक ऑफिस है। ये लड़की इन्हीं के पास काम करती थी और 6 अगस्त को पानी देने के बहाने नवाब निजाम खान ने इस लड़की को अपने ऑफिस में बुलाया, उसके साथ छेड़खानी की। लड़की ने यह बात नवाब की पत्नी अल्फिया खान को बताई, मगर पति को समझाने के बजाय अल्फिया खान ने लड़की पर दबाव डाला। लड़की का आरोप है कि उसके साथ मारपीट भी की गई। पुलिस लड़की की शिकायत नहीं ले रही थी। थाने के सोशल एक्टिविस्ट बीनू वर्गीस द्वारा इस मामले में फॉलोअप किया गया, ट्विटर पर इस वीडियो को शेयर किया गया। इसके बाद भांडुप पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और 354A के तहत छेड़खानी का मामला और लड़की नाबालिग होने की वजह से पोक्सो एक्ट की धारा 8 और 12 के तहत मामला दर्ज किया गया, और इसके बाद नवाब निजाम खान को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल अल्फिया खान जो है वो फरार बताई जा रही है। 16 साल की है, मैं घाट के ऊपर में रहती हूँ। मुझे मेरी एक दोस्त ने जॉब के बारे में बताई थी जो भांडुप में है। मैं वहाँ इंटरव्यू देने गई, भांडू पेस में जॉब है, NJNA मार्केटिंग नाम है उसका, भांडू पेस BMC बिल्डिंग, प्लॉट नंबर 402। वहाँ पे जब मैं इंटरव्यू देने गई तो मेरी कम एज की वजह से, मुझे वहाँ पे जो भी है वहाँ पे सब कम एज की वजह से, कम एज के लोग रहते हैं, जॉब करते हैं वहाँ पे, मेरी एज भी कम एज थी, मेरी एज 16 साल की है। तो वहाँ पे मुझे जॉब पे रखा गया और मेरा फेक आधार कार्ड बनाया गया वहाँ पे बड़ी उम्र का, क्योंकि ऐसा मेरे को ऐसा बोला गया था कि जब जॉब की वहाँ पे चेक, कभी भी चेकिंग होती है तो इसके लिए 18 साल के नीचे वाले को लोग पकड़ते हैं, वहाँ पे सब फ्रॉड काम होता है, DSA का काम करते हैं सब थर्ड पार्टी। उसके बाद जब मैं जॉब पे लगी, मेरी सैलरी मुझे 7,000 बताई गई थी, तो 7,000 सुन के मैं जॉब नहीं कर रही थी वहाँ पे। तो बाद में मेरे सर ने मेरी सैलरी 10,000 बढ़ा के दिया मुझे, जब 10,000 मेरी सैलरी मुझे 10,000 बढ़ा के दिया वहाँ पे, मेरे को 3 महीना हुआ है वहाँ पे जॉब करके, 3 महीने में मेरी सैलरी मुझे 10,000 ही बोला गया था मेरे हाथ में, पर वहाँ पे जब मैंने ऑफ़र लेटर मांगा तो मुझे ना ऑफ़र लेटर दिया गया ना सैलरी स्लिप मिलती थी वहाँ पे, क्योंकि लोग बोलते हैं कि यहाँ पे मतलब जो है यहाँ पे नहीं मिलता है ये सब, यहाँ पे सब ऐसे ही काम करते हैं। वहाँ पे ना ऑफ़र लेटर दिया गया, ना ID कार्ड दिया गया, ना सैलरी स्लिप मिलती थी। उसके बाद सर धीरे धीरे सबसे मतलब मुझसे मस्ती मजाक करने लगे, मस्ती मजाक करने के बाद उनकी गलत मतलब वो गलत गलत जगह टच करने लगे थे। जब ये सब बात बहुत परेशान हो गई, सब बात मैंने उसकी वाइफ को बताई तो उनकी वाइफ ने मुझसे माफ़ी मांगा, मुझसे बहुत अच्छे से बात की उन्होंने कि मतलब मेरे हस्बैंड की गलती है, मेरे को माफ़ कर दो ऐसा वैसा। उसके बाद वो दोनों में क्या बातें हुई तो वो आके मुझ पे गलत गलत इल्ज़ाम लगा रही, मेरी एरिया में आके उसने मेरे पूरा फ़ोटो वायरल किया, मेरे बारे में गलत गलत बातें फैलाई उसने, और मेरे बारे में बहुत गलत गलत बातें फैलाई, मेरे को बहुत गलत धमकी दिए। आज जब मेरी ना मेरी सैलरी उसने मुझे रिटर्न करी, मेरा मोबाइल तक छीन ली सैटरडे के दिन, ये सब बात मैंने उसकी वाइफ को बताई थी। उसकी वाइफ ने मुझे उसकी वाइफ ने मुझ पर हाथ उठाई, मेरी मोबाइल छीन लिया उसने, ना मुझे मेरी सैलरी दे रही है ये महीने की, मेरी सैलरी 10,000 है और मुझ पर 50,000 चोरी करने का इल्ज़ाम लगा रही है जो गलत है। मैं मुझ पर उसने ऐसा इल्ज़ाम लगाया कि मैंने उसके ऑफिस से 50,000 रुपये चोरी करके भागे, जबकि 50,000 की बात उसी ने मुझसे करी थी। कि जब मैंने उन लोगों को सैलरी के लिए कॉल करी थी कि मेरी सैलरी मुझे चाहिए, मेरा मोबाइल भी छीन लो, उन्होंने मेरा मोबाइल भी मुझे वापस चाहिए, मेरा मोबाइल भी छीन लिया, ना मेरी सैलरी लोग मेरे को रिटर्न दे रहे। जब मैंने सैलरी के लिए कॉल करी तो मुझे धमकी दी उन लोग ने कि मैं तुम्हारे घर पर आके तुमको पैसे का पावर दिखा दूँ कि पैसे का पावर क्या होता है, और तुम्हारे घर पर मैं 2-3 छोकरे लोग को लेकर आता हूँ।